नमस्कार स्पोर्ट्स अड्डा में अभी की बड़ी खबर आपके सामने। टीम इंडिया के लिए बोझ बने विराट कोहली, पिछले 3 सालों से कर रहे हैं परेशान। केएल राहुल से भी खराब आंकड़े। भारतीय टीम के महान बल्लेबाज विराट कोहली इन दिनों काफी आलोचनाओं का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों का तो कहना है कि विराट को अब टेस्ट क्रिकेट से आराम ले लेना चाहिए। इस आलोचना की वजह है लंबे समय से चला आ रहा शतक का सूखा। विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़े हुए लंबा वक्त हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के शुरुआती 3 टेस्ट मैचों में विराट फ्लॉप रहे। उम्मीद की जा रही थी कि विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में पिछले 3 साल से चले आ रहे शतकों के सूखे को खत्म करेंगे। विराट के बल्ले से आखिरी टेस्ट अर्धशतक पिछले साल जनवरी 2022 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आया था, जो कोहली का बतौर कप्तान आखिरी टेस्ट मैच था। ऐसे में फैंस का मानना है कि विराट को टेस्ट क्रिकेट से आराम मिलना चाहिए ताकि वो अपनी पुरानी घातक फॉर्म में वापसी कर सकें। वैसे आपको क्या लगता है, विराट कोहली को टेस्ट से आराम लेने की जरूरत है या लगातार खेलते रहने की? कमेंट करके जरूर बताएं।